राज्यसभा की दो सीटें हरियाणा में जो खाली थी उसका आज नामांकन पत्र भरने का आखिरी दिन है। और अभी तक जो जानकारी मिली है कि जानकारी यानी जो चुनाव की व्यवस्था में जो लोग लगे हैं, हमने अपने कैंडिडेट श्री किशन पवार जी का फॉर्म भरवाया है और इसी प्रकार कांग्रेस ने भी अजय माकन उनका एक फॉर्म भरवाया है। अभी तक दो फॉर्म भरे गए हैं, सायकल तक क्या और व्यवस्था बनती है उस हिसाब से पता लगेगा। अगर केवल दो ही रह जाते हैं तब तो आगे चुनाव की कोई प्रस्तुति नहीं होगी और ये एक प्रकार का चुनाव फाइनल माना जाएगा। लेकिन अगर कहीं दो के बाद तीसरा चौथा कोई फार्म भरा जाता है तो निश्चित रूप से 10 तारीख को वोटिंग का दिन है, 10 तारीख को वोटिंग होगी। इसके लिए मैं सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, अमित शाह जी का और केंद्र में सभी वरिष्ठ नेताओं का, केंद्र के संगठन का और विशेष तौर से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी और हमारे प्रदेश के बहुत ही मजबूत पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और हरियाणा प्रदेश के संगठन का मैं धन्यवाद करता हूं, नतमस्तक करता हूं कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को आज राज्यसभा में भेजने का काम किया। इसलिए मैं केंद्र सरकार के संगठन का, हरियाणा प्रदेश के संगठन का मैं नमन करता हूं। इसके लिए मुझे तीसरे के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, पार्टी ने फर्स्ट उम्मीदवार मुझे बनाया है। मैं अपने बारे में कह सकता हूं, मैं पार्टी का और संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बिल्कुल नहीं, पूरे देश में 18 करोड़ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं और भारतीय जनता पार्टी संगठन सब पर नज़र रखता है किस कार्यकर्ता के किस समय क्या काम लेना है। इससे पहले संगठन ने मुझे हरियाणा प्रदेश की एससी मोर्चा की प्रदेश की जिम्मेवारी सौंपी थी, हमने ईमानदारी से उस पर काम किया और अब पार्टी संगठन ने चाहा कि मैं राज्यसभा में जाऊं, आशीर्वाद दिए करके अब राज्यसभा में जाने के लिए मुझे नॉमिनेशन फाइल किया है। मैं किसी भी नेता के पास मैंने जाकर के नहीं कहा कि मुझे राज्यसभा में भेजें। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कार्यकर्ता सम्मान करती है और किस कार्यकर्ता को किस समय क्या काम देना है उसी प्रकार से काम देते हैं।